खबर उत्तर प्रदेश की देवरिया जनपद से आ रही है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम था, जिसको लेकर पूरे जिले में चौक चौबंद पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि इनकी सुरक्षा में 2 SSP, 4 CO और 200 कांस्टेबल और 2 PSC की 2 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है। आपको बता दें कि इस समय नंदीबेन पटेल देवरिया में आ चुकी हैं। वहीं देवरिया के आला अधिकारी उनके स्वागत किए। आपको बता दें उन्होंने सलामी ली। सलामी लेने के बाद तय स्थलों पर जाएंगे, अपने कार्यक्रमों पर जाएंगे। लेकिन जहां तक अभी खबर आ रही है, आपको बता दें कि राज्यपाल देवरिया जनपद में पहुँच चुकी हैं। उन्होंने DM अमित किशोर और डॉक्टर श्रीपत मिश्र BJP के मंत्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने उनका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि देवरिया पहुंच चुकी हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नंदीबेन पटेल। जैसे ही नया अपडेट आता है हम आप तक तुरंत पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे जिले और देवरिया जनपद की खबरों के साथ। ऐसी उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। इस समय मासिक की जो आय है वो देश भर में अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। मैम, इस स्कीम के अंदर में महिलाओं को साफ सफाई के 6,000 रुपये मिलते हैं और सामग्री खरीदने के 3,000 रुपये प्रति माह की इनको मिलता है। मैम, इस समय 72,000 रुपये की आमदनी इनको सालाना होगी।